नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि आप लोग जनवरी से पढ़कर किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए मैं ये बात नहीं करूंगा कि आप लोग जनवरी से पढ़कर 95% लाएंगे या 90% लाएंगे या मतलब कुछ ऐसे परसेंटेज की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इन तरीकों को आजमाते हैं, यानी कि आप इन तरीकों से पढ़ाई करते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपका रिजल्ट जो है वह काफी बेहतर होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर चलिए बात करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके समझिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालकर आपको देखिए सारे के सारे पॉइंट को अच्छे समझना है, बिल्कुल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले भाई साहब हम बात करते हैं कि हमारे पास अब देखिए कितने दिनों का टाइम बचा हुआ है, क्योंकि देखिए क्या है, अभी इस समय जो है आपका जो है जनवरी चलने वाला, ठीक है, जनवरी चल रहा है। तो मान लीजिए जनवरी से हम लोग बात करेंगे तो हमारे जो बोर्ड एग्जाम जैसे मार्च में होने हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम कितना बचा हुआ, क्योंकि देखिए आपके माइंड में अभी कई सारी बातें चल रही है, मैं वह भी आपको बताने वाला हूं और उन बातों को आपको देखिए अनदेखा करना है। ठीक है, तो यहां पर पहले हम बात करते हैं टाइम की। देखिए सबसे पहले आपका जो समय है वह जनवरी से बात करें तो जनवरी हो गया आपका, एंड यहां पर फरवरी, देखिए यहां पर फरवरी के हम पूरे पूरे जो है जितने भी आपके बचे हुए दिन हैं उनमें से पूरा हम दोनों महीनों को अगर टोटल करें तो यहां पर दोस्तों आपके पास अगर अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं तो 35 से 40 दिन का ही टाइम बचा हुआ है। जी हां दोस्तों, 35 से 40 दिनों से ज्यादा आपके पास यह देखिए टाइम नहीं है अगर आप जो है अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए अभी क्या होगा, मान लीजिए आपका जो है प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, कई सारी जो चीजें होती हैं वह आपको अगर डिस्टर्ब करती हैं, तो हमारे पास अगर फिक्स टाइम की बात करें तो 35 दिन का आपके पास यहां पर टाइम है, यानी कि आप ये मानकर चलते हैं कि यहां पर आप 35 न मानिए तो यहां पर आप मतलब ये 40 भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर आपका 40 दिन से ज्यादा टाइम नहीं बचा, यह भी आप मानकर चलिए। ठीक है, तो यहां पर इतने दिनों में आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है और लास्ट की देखिए अधिक कोई भी चीज होती है अगर मान लीजिए उसका जो है अंत भला होता है तो मतलब सब कुछ भला ही हो जाता है, मतलब अच्छा ही रहता है। तो आपको लास्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से चलना है, अपना टाइम बिल्कुल एक एक दिन समय आप जो है आपके लिए बिल्कुल कीमती होने वाला है। तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिनको आपको इग्नोर करना है, ठीक है, बिल्कुल अनदेखा कर देना है, आप उन पर बिल्कुल फोकस मत करिए कि यार हो क्या रहा है, हमें क्या करना है, जो भी मैं बताऊंगा सब कुछ समझिएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला यार इस समय काफी तेजी से आपके माइंड में चल रहा है और यह यार काफी बुरी बात है। बात यह है कि देखिए क्या है कि इस समय आपके दिमाग में, आप में से कई सारे बच्चों के माइंड में चल रहा है कि यार जो है परीक्षा इस बार जो है होने वाली है या नहीं, क्योंकि देखिए कोविड जो है इस समय थोड़ा सा आप कई जगह देख रहे हैं कि न्यूज में चल रहा है, तो यार मतलब आपके माइंड में एक बात तो जरूर आती होगी कि यार परीक्षा होंगी या नहीं होंगी। तो इस बात को दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यार आप अपने माइंड से यह बिल्कुल निकाल दीजिए। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम, इसकी मैं दोस्तों 100% गारंटी लेता हूं कि बोर्ड एग्जाम आपके होने हैं, ठीक है, थीके? बिल्कुल होने हैं, भले कुछ मतलब कि अलग अलग प्रकार की जो है सुविधाएं करी जाएंगी, यानी कि आपकी जो है सतर्कता बरकरार रखी जाएगी, कुल मिलाकर सुरक्षा अच्छी की जाएगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम जरूर होंगे। तो ये माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि यार परीक्षा होंगी या नहीं, ठीक है, अगर आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है वह बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी और समझिए टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है। तो ये बात तो पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कि यार काफी ज्यादा आप लोग गलती करते हैं, ये आपको पॉइंट है कि आप कभी ना सोचे कि मेरा दोस्त जो है क्या कर रहा है और मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आप में से कई सारे बच्चे होंगे दोस्तों के चक्कर में मतलब आ जाते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार दोस्ती हां अच्छी चीज है, करना चाहिए, लेकिन हां अपने मतलब से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब वो क्या कर रहा है मतलब उसके जो आचरण है उसको हम अच्छे आचरण को जरूर सीखे, लेकिन उसके अंदर जो बुराइयां हैं ये जरूरी नहीं कि आप भी वही करें, ठीक है। तो मतलब ये कभी मत सोचिए कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है और हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपका दोस्त जो है किसी मजबूत घर से है या उसका मतलब टाइम जो है ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, मतलब आगे वो है उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अगर वह पढ़ाई भी ज्यादा नहीं अच्छे से करेगा तो मान लीजिए अगर वह अच्छा घर से है तो वह अपनी जो है लाइफ को अच्छा व्यतीत कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन बेहतर नहीं है तो आगे आपका क्या होगा,
तो मतलब कि यार देखिए करियर को भी साथ लेकर चलना है, दोस्ती से ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अपना करियर भी हमें देखना है, तो मतलब आप लोग सब कुछ साथ में मैनेज करके चलिए। बिल्कुल आपको अपने दोस्तों के साथ अब जो है टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, आप अपना बिल्कुल एकदम मतलब किताबों पर अच्छी फोकस करिए, ठीक है, जो भी बचा हुआ टाइम। इसके अलावा घूमना फिरना हो गया आपका, मोबाइल चलाना हो गया, टाइम वेस्ट करना मतलब बेकार की चीजें जो है आपको बिल्कुल छोड़ देना है। यानी जो भी आपके पास ये 35 से 40 दिनों का जो टाइम बचा हुआ है इसमें आप बिल्कुल अब किताबों से दोस्ती करिए, ठीक है। तो यहां पर यही आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो मतलब ये जो पॉइंट है इनको आपको बिल्कुल इग्नोर करते हुए चलना है, क्योंकि देखिए क्या होता है अगर आप इनमें जो है थोड़ा सा भी ध्यान दे लेते हैं तो मान लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल चौपट होने वाली है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए आप सोच लेंगे कि यार कोविड-19 आ गया है और इसमें हमारा एग्जाम नहीं होगा और हम थोड़ा सा इसमें पढ़ाई कम करें, वैसे भी एग्जाम होना नहीं है। तो देखिए क्या होता है आपके माइंड के अंदर एक चीज बैठ जाती है और आप बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते और आपका माइंड जो है वहीं पर जाता रहेगा, तो यह आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है। तो ये माइंड निकाल लीजिए, मैं बिल्कुल आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि यार एग्जाम होना है, ठीक है, एग्जाम आपके होंगे ही होंगे और यार एग्जाम होना भी चाहिए, क्योंकि आपको अपने अंदर का भी जो थोड़ी सी क्षमता का भी तो अंदाजा चलेगा कि हमें मतलब हमने कैसे स्टडी करी, हमारे अंदर क्या क्षमता है, हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप प्रमोट हो जाएंगे तो इससे आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपको अंदर ये होना चाहिए कि मैंने मेहनत करी है और एग्जाम होना चाहिए, ठीक है, ये काफी बेहतर होता है और उसके अनुसार जो रिजल्ट आपका आएगा वह आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ना कि आप प्रमोट होंगे तो वह बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको निकाल देना, ये आपके मतलब माइंड में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा और उन तरीकों से आपको अब स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले नंबर वन है आपका, देखिए अब आपको देखिए जो बचा हुआ टाइम है, फिर से मैं आपको कह रहा हूं जो बचा हुआ टाइम है एक एक दिन को आपको इस प्रकार से स्टडी करनी है, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि जैसे कल ही हमारी परीक्षा होनी है। अब ऐसा अगर होगा, देखिए हम लोग सोचते हैं जैसे हमारा कल एग्जाम होता है, ठीक है, मतलब आज हम पढ़ रहे हैं और कल हमारा एग्जाम है, तो उस जो हम आज पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई का अलग ही लेवल का मतलब वो होता है फील, ठीक है, मतलब हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके उसको पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको इसी प्रकार से पढ़ाई करनी है कि जैसे हमारा कल ही एग्जाम है और हमें एग्जाम में कल बैठना है, तो ये चीजें आपको होनी चाहिए आपके अंदर। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट है हमारा कि अपनी जो है कमजोरी को आपको पहचानना है, हमारा वीक पॉइंट कहां पर है, किस सब्जेक्ट में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, उसे आपको पकड़ना चाहिए और हर संभव प्रयास करना है उसको दूर करने का। तो जब आप लोग अपनी कमजोरी को पहचानेंगे तभी जो है आप उसको दूर कर सकते हैं, और अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो मतलब कि आपके लिए काफी बेहतर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका यह है पॉइंट कि प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको डेली जो है इक्वल में टाइम देना है, क्योंकि देखिए क्या होता है जैसे मान लीजिए आपका जो है मैथ है, ठीक है, मैथ है और इसके अलावा आपका साइंस हो गया, मतलब जो भी आपके आपको ये लगता है कि ये हार्ड सब्जेक्ट है आप उनको जो है ज्यादा टाइम देते हैं, लेकिन देखिए 100 नंबर की बात करें तो 100 नंबर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट से आने, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका मैथ में 100 नंबर का पेपर होगा बाकी में आपका 50-50 होगा, मतलब सभी में जो है 100 नंबर का होगा, तो हमें सभी को जो है बराबर लेकर चलना है, क्योंकि परसेंटेज तो आपका सारे सब्जेक्ट का ही जोड़कर बनना है। तो ऐसे प्रत्येक सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए, स्कूल और कॉलेज में आप इस समय क्या चल रहा है यह अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि वैसे भी यार जनवरी के बाद जो है स्कूल में जो है पढ़ाई नहीं होती है, बाकी आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मतलब आप यह भूल जाइए कि हमारे स्कूल कॉलेज में क्या चल रहा है, हमें क्या करना है, वह अपने माइंड से आप निकाल दीजिए, ये स्कूल कॉलेज बाकी की जो चीजें हैं, ठीक है, मतलब कहीं पर जाना घूमना फिरना यह सब बाद में भी हो सकता है, तो मतलब यह आपको निकाल देना। इसके अलावा चौथा पॉइंट है आपको लिखावट पर विशेष ध्यान देना, अपनी राइटिंग को आप सुधारना शुरू कर दीजिए, प्रत्येक दिन आपको लिखने का प्रयास करना, अगर अच्छी राइटिंग नहीं है, ठीक है, तो आप इससे जो है बेहतर कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका जो है बोर्ड एग्जाम में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि लिखने का तरीका भी हमें आना चाहिए। इसके अलावा मॉडल पेपर की बात करें जो आपके जो है बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, इससे आपकी ज्यादा जो है प्रॉफिट होता है आपके लिए, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन भी आने के चांस रहते हैं और आपको एक अंदाजा हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है कि इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और ऐसे हमें जो है सॉल्व करना है। तो ये चार पॉइंट है, आपको बिल्कुल इन्हें आज से ही शुरू कर देना है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आज से, क्योंकि क्या होता है टाइम यार बार बार नहीं आता, अगर आप सोचते हैं कि हम इस कार्य को कल करेंगे तो वह आपका बिल्कुल जो है टल जाता है।
होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट आपका पांचवा पॉइंट देखिए यहां पर कि आपको अब किताबों से अपने दोस्ती करनी होगी, क्योंकि यार मतलब ऐसा होता है, देखिए आप लोग सोचेंगे कि ये मैं जो है कल करूंगा इस काम को, तो वह कल नहीं होता, ठीक है। तो अब आपको बिल्कुल पढ़ने में मन लगाना है, और अगर आपको पढ़ाई में जब मन ना लगे तो एक बात सोचना कि आपके जो माता पिता, ठीक है, मेहनत करके आपके लिए कुछ भी देते, क्योंकि क्या होता है देखिए, आप सोचिए आपके माता पिता जो है या आपकी फैमिली कितनी भी जो है रिच हो या पुअर हो, ठीक है, उनको आपके ऊपर कभी असर नहीं होने देते, ठीक है। यानी कि होता यह है, जैसे मान लीजिए आपकी जो है फैमिली, मान लीजिए गरीब घर से, ठीक है, गरीब है, लेकिन आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि वह गरीब है, आप कुछ भी मांगेंगे तो वह आपको देते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपको बिल्कुल एकदम अपना काम करना है, और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप जब भी आपको पढ़ाई में मन ना लगे तो आप ये बातें सोच लीजिएगा अपने मम्मी पापा के बारे में कि ऐसा ऐसा करते हैं हमारे लिए, तो आपका मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाएगा कि हमें भी यह करना चाहिए, हमारा भी यह फर्ज है। तो यही सारी चीजें हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना जो है पढ़ाई में फोकस करिए, बाकी COVID-19 और इसके चक्कर में आपको नहीं रहना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।